तो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, जो कि गाइस कई बार देख चुके हैं। मतलब कि गाइस जो नई वाली स्कॉर्पियो आने वाली है उसको टेस्टिंग के दौरान कई बार हम देख चुके, और जैसे जैसे गाइस अपन को ये गाड़ी दिखती जा रही है, मतलब कि यहाँ देखी आज वहाँ देखी, वैसे वैसे ही उसके नए नए फीचर्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस इस एसयूवी के मतलब महिंद्रा स्कॉर्पियो का अब हमें इंटीरियर देखने को मिला है। तो गाइस नई एसयूवी लगातार टेस्टिंग के दौरान देखी जा रही है। 2022 स्कॉर्पियो की टेस्ट से पता चलता है कि गाइस नई स्कॉर्पियो क्या पेश करने वाली है। इस टेस्ट मॉडल का कैबिन लेदर से लगा हुआ, 3-row एसयूवी में सभी सीटें फ्रंट फेसिंग वाली होगी। पिछले पैसेंजर के लिए PAC वेंट्स लगाए हैं। कार के डैशबोर्ड पर बड़े साइज का एक टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इंफोटेनमेंट यूनिट के सामने व्हीकल ओरिएंटेड एसयूवी वेंट्स हैं। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल और अन्य फीचर, सेंटर कंसोल पर कई बटन भी दी गई है। ड्राइवर डिस्प्ले डिजिटल है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी देखने को मिल सकते हैं। कार में नए बड़े सर टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सनरूफ और इस तरह के कई लग्जरी फीचर्स मिलने वाले हैं। इसमें LED हेडलैम्प, LED DRL, LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। नई स्कॉर्पियो लंबी व्हील स्पेस के साथ मौजूदा मॉडल से बड़ी है, जिसका इसमें ज़्यादा जगह होगी। लेडर ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें फोर व्हील ड्राइव मतलब कि 4x4 का भी ऑप्शन हो सकता है। इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन में आएगी। दोनों ही इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल सकता है। ऑल व्हील ड्राइव की भी उम्मीद है, लेकिन 700 की तरह डीजल में केवल ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल नई स्कॉर्पियो है, जिसमें नए लुक, नए प्लेटफॉर्म पर आधारित है और नए इंजन के साथ नए फीचर्स भी है। नए स्कॉर्पियो को लंबे समय से टेस्ट करके देखा जा रहा है और इस 14 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। अब तो आगे पता चल ही जाएगा कि क्या कुछ है या क्या कुछ नहीं। तो गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।